मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यानी कि वित्तीय प्रबंध का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना। पूंजी संरचना का मीनिंग अगर सिंपल रूप में हम देखें तो पूंजी संरचना का मतलब होता है कि आप किस किस रेशियो में कौन कौन सी प्रतिभूतियों से या कौन कौन सी सिक्योरिटी से अपने कैपिटल की व्यवस्था बिजनेस में करेंगे, यानी कि आप अपने जो कंपनी है या फर्म है उसमें कैपिटल पूंजी का अरेंजमेंट करने के लिए आप कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ का सपोर्ट लेंगे। यानी जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, तो आप किसको प्रेफर करेंगे अपने कैपिटल में, तो उसी को ही कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करती है अपनी आवश्यकता को देखकर। यानी कि सभी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूंजी संरचना में जिन सिक्योरिटीज़ के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि मुझे ये सिक्योरिटीज़ अपनी कंपनी के लिए चाहिए, तो वो जिन सिक्योरिटीज़ को एक ग्रुप में लेगा उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें इक्विटी हो सकता है, आपका डिबेंचर हो सकता है, आपका प्रेफरेंस हो सकता है और लॉन्ग टर्म। तो हम इस सर्कल को क्या कहेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी ढांचा। इसमें अगर एक बात करें कि किसी कंपनी की पूंजी संरचना में आप देखते हैं बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ के कुछ मैरिट डीमेरिट्स भी होते हैं, यानी कुछ गुण और दोष होते हैं। तो उन गुण और दोष को देखते हुए हम अपने पूंजी में उन सभी प्रतिभूतियों को सम्मिलित करते हैं जिससे कि हमें कम रिस्क यानी कि बहुत कम जोखिम पे अधिक लाभ की प्राप्ति हो पाए। तो सारी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करती हैं ताकि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाए। अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो सारी सिक्योरिटीज़ जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, उनकी मैरिट और उनका डीमेरिट यानी गुण और दोष को चेक करके फिर अपने इस कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको इंक्लूड करती हैं। जैसे कि अगर कंपनी अपनी पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर का प्रयोग करती हैं और डिबेंचर या डेब्ट का प्रयोग नहीं करती हैं, तो ऐसी कंपनी हम क्या कहेंगे कि वो अपने समता पर व्यापार या इक्विटी ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कर पा रही है। तो एक नया वर्ड आ रहा है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसे हम आगे समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कंपनी अपने स्ट्रक्चर में इक्विटी को प्रेफरेंस दे रही है क्योंकि उसकी रेगुलर इनकम है या इस बेस पे, या अगर वो डिबेंचर को दे रही है कि वहाँ रेगुलर इनकम है, तो कहने का मतलब है जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसके गुण और दोष को देखकर अपने कैपिटल फॉर्मेशन को बनाती है, दैट्स कॉल्ड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट, यानी कि पूंजी संरचना उसे कहेंगे। तो पूंजी संरचना के बाद में हम लोग उसका मीनिंग के बाद में, एक जनरल मीनिंग के बाद में उसकी एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं वेस्टर्न एंड बाइगम की। वेस्टर्न एंड बाइगम ने क्या कहा है कि पूंजी संरचना किसी भी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंध होता है, यानी कि फिक्स्ड एक अरेंजमेंट होता है, एक मैनेजमेंट होता है जो दीर्घकालीन ऋणों यानी लॉन्ग टर्म लोन, पूर्वाधिकारी अंशों यानी प्रेफरेंस शेयर तथा शुद्ध मूल्य से प्रदर्शित होता है, नेट वैल्यू से वो प्रेजेंट होता है, कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये डेफिनेशन किसने दी थी, वेस्टर्न बाइगम ने। तो वेस्टर्न बाइगम ने अपनी एक डेफिनेशन और दी थी जिसमें उन्होंने क्या बताया कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर टू द वे द फर्म्स असेट्स आर फाइनेंशियल, इट इज़ द एंटायर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में हम जो प्रेजेंट करते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इन डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है कि पूंजी संरचना क्या है, कि जो अलग अलग प्रतिभूतियां हम सम्मिलित कर रहे हैं उसी का ही एक ढांचा, एक स्वरूप है, राइट। तो आगे अगर हम बात करें कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग, तो आई थिंक आपको ये इस डेफिनेशन से क्लियर हुआ होगा। इसी कैपिटल स्ट्रक्चर में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज अ असेट स्ट्रक्चर। तो देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वित्तीय ढांचा। कभी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तीनों की वित्तीय ढांचा क्या है या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इट मीन्स अ लॉन्ग टर्म फंड या करंट लाइबिलिटीज़, या आपके लॉन्ग टर्म फंड और करंट लाइबिलिटीज़
होता है, यानी कि जो बैलेंस शीट होता है उसकी लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, आपके बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट हो रहा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी ढांचा, उसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म फंड, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व फंड, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारा किस में आता है, जो हम अभी बात कर रहे थे, ये सारी कैपिटल किस में आती है, वो आएगी किस में, कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या बना रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की सिक्योर पैसे लेने की जो सिक्योरिटीज़ होती है कि हम कंपनी में अपने पैसे का, अपने कैपिटल का अरेंजमेंट किससे करेंगे, क्या शेयर इशू करके करें, वो भी इक्विटी का करें, प्रेफरेंस का इशू करके हम अपने फ़ंड की व्यवस्था करें, या हमारे पास पहले से कोई रिजर्व फंड है उससे अरेंजमेंट करें, या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम लॉन्ग टर्म फंड लें। तो कहने का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सारा फंड आएगा आपका, राइट। असेट स्ट्रक्चर, इट मीन्स अ फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्ति और करंट असेट्स, यानी कि जो स्थायी संपत्ति और जो आपकी चालू संपत्ति होती है और जो भी अदर असेट्स होगी वो किस में आएगा, असेट्स स्ट्रक्चर। आप जानते हैं फिक्स असेट्स का मीन्स हो गया कि आपके यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, और करंट असेट्स का क्या हो गया, कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन बैंक। बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज अ इक्विटी या समता, या दूसरा क्या हो सकता है, ऋण पूंजी यानी कि लॉन कैपिटल। इक्विटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आपका इक्विटी या ऑनरशिप जो है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस कैपिटल और रिटर्न अर्निंग यानी प्रतिधारित अर्जने, ठीक है। और ऋण में यानी कि जो लॉन कैपिटल है उसमें क्या आएगा, डिबेंचर, टर्म लोन यानी आप कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, या अदर लोन, जो भी लॉन्ग टर्म आप लोन ले रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या है, एक फॉर्मेट है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर, कैसे कैसे सिक्योरिटीज़ इंक्लूड होती है, तो ये इसके अंदर सम्मिलित है। तो आपको आई होप कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ में आ गया कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कुछ ऑनरशिप वाली कैपिटल या डेब्ट कैपिटल हो सकती है, राइट। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जब कोई कंपनी बनाएगी तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उस कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट डालेंगे। यानी कि अगर कोई कंपनी है एक्स कंपनी, वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रही है, पूंजी ढांचा बना रही है, तो वो ढांचा बनाते समय ऐसी बातों का ध्यान रखेगी कि वो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, सभी जो जितनी भी कंपनीज होती हैं सब अपनी नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो हम उसी को ही आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज ए कैपिटल, या कह सकते हैं पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। सबसे पहले बात करते हैं कि आंतरिक तत्व, यानी कि जो इंटरनल है आपके बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स होंगे वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, जैसे कि व्यवसाय की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का जो है नेचर कैसा है, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सिर्फ ट्रेडिंग संस्था है, यानी कि आप निर्माणकारी संस्था है या सिर्फ व्यापार करने वाली संस्था है। तो देखिए, जो संस्था शुरू से यानी रॉ मटेरियल यूज़ करके फिनिश गुड तक कन्वर्ट करती है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ स्थायी पूंजी अधिक आवश्यकता होगी और वर्किंग कैपिटल की कम। तो यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सी होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, और दूसरा क्या हो सकता है कि जो सिर्फ ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग का मतलब है जो सिर्फ सेल और परचेज करता है, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होकर फिनिश गुड तक कन्वर्ट होती है। तो यहाँ हमें क्या चाहिएगा, फिक्स असेट्स ज़्यादा चाहिएगी। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें मशीनरी, प्लांट सारा एस्टेब्लिश करना होगा, देन हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बना पाएंगे। तो हमें यहाँ पे फिक्स असेट ज़्यादा, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि डेली रूटीन के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता, यानी कि दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए, तो दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए हमें कम आवश्यकता होगी उस पूंजी की, तो हमें फिक्स असेट्स की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। और उसी के बाद में अगर हम बात करें, सिर्फ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ आप माल को लेके आ रहे हैं और फिर उसे सेल कर रहे हैं, यानी कि कुछ माल को परचेज करते हो फिर सेल कर रहे हो, तो देन आपको क्या चाहिएगा, आपको वहाँ पे फिक्स असेट्स या आप कह सकते हैं फिक्स पूंजी की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिक्स कैपिटल की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको नीड रहेगा वर्किंग
कैपिटल की ज़्यादा नीड। तो देखिए, व्यवसाय की प्रकृति दो तरह के हो सकती है, या तो निर्माण संस्था होगी या सिर्फ व्यापार ट्रेडिंग कर रही होगी। तो आपको पता चल गया कि फिक्स असेट्स किसमें चाहिएगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? क्योंकि वो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होकर फिनिश गुड तक कन्वर्ट हो रहा है, राइट। बात करते हैं व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। अच्छा, व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा का मतलब क्या हो गया कि आप अपना जो है डिज़ायर टू कंट्रोल टू बिजनेस, यानी कि आप इच्छा रखते हो अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। जब आपकी डिज़ायर है कि आप अपने कंट्रोल द करें बिजनेस को, तो कैसे होगा? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस पे कंट्रोल करूं, मैं अपने बिजनेस को किसी के हाथ में नहीं सौंपूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डेब्ट का यूज़ करोगे, यानी कि ऋण लोन वगैरह के अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा कंट्रोल है, वो कोई बात नहीं किसी और के पास चला जाए, तो उस में आप क्या करेंगे, शेयर यानी कि इक्विटी शेयर का अरेंजमेंट करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, अगर आप चाहते हो कि मेरा कंट्रोल ही रहे मेरे बिजनेस पे, तो आप डेब्ट को इश्यू करोगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं, आप अपने कंट्रोल को, अपने इस नियंत्रण को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, बांटना चाहते, तो आप इक्विटी शेयर को मार्केट में इश्यू करके अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इक्विटी शेयर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर वाले ऑनर होते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी पर क्या करेंगे, फिर थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपना कंट्रोल एक सेंट्रलाइज सिस्टम में रखना चाहते हैं, यानी केंद्रीकृत रूप में रखना चाहते हैं, अपने पास ही रखना चाहते हैं, देन वी प्रेफरेंस टू डेब्ट, राइट। हम ऋण को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा कंट्रोल बांट दिया जाए, छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, आप डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं अपने कंट्रोल का, देन आप प्रेफरेंस किसे करेंगे, इक्विटी शेयर, उनसे प्रेफरेंस आप उनको देंगे, राइट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये टू पार्ट है, यानी डेब्ट और इक्विटी का। यदि कंपनी अपना कंट्रोल, अगर संस्था अपना कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथों में रखना चाहती है, तो वो क्या करेगी, इसका एक बड़ा भाग लोगों के पास केंद्रित रखा जाए, और मतलब अपनी संस्था के पास रखा जाए, तो वो डेब्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। लेकिन वो चाहती कि नहीं, अब मेरा जो ये कंट्रोल है वो मेरे पास न रहकर कुछ व्यक्तियों के समूह के हाथ में केंद्रित रखना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो इक्विटी शेयर का इश्यू करेगी, जिसे वो अरेंजमेंट कर पाए, राइट। बात करते हैं थर्ड की, आय की निश्चितता और नियमितता, यानी कि इनकम में क्या है, सर्टेनिटी और कंटिन्यू, यानी कि आपकी इनकम रेगुलर आ रही है और उसमें सर्टेनिटी का मतलब हो गया आपका निश्चितता आ रही है। तो पूंजी संरचना आय की निश्चितता और नियमितता से भी प्रभावित होता है। एक संस्था अपने डिबेंचर बॉन्ड तभी निर्मित करना चाहेगी जब उसे फ्यूचर में क्या हो, उसे रेगुलर और सर्टन इनकम हो। देखिए, यहाँ पे जो संस्था है, यहाँ पे संस्था अगर उसके बिजनेस में आर यानी रेगुलर वर्ड है और सी यानी सर्टेनिटी वर्ड है, देन ही क्या प्रेफरेंस करेगी, वो प्रेफरेंस करेगी डेब्ट का, यानी कि लोन का प्रेफरेंस करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि लोन पे जो हम डिबेंचर बात करें या लोन देते हैं, तो उस पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपकी इनकम में निश्चितता और नियमितता होगी, तभी आप डिबेंचर वाले को क्या दे पाएंगे, इंटरेस्ट दे पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे बिजनेस में तो रेगुलर इनकम नहीं हो रही है और आपकी यहाँ पे नियमितता भी नहीं है, यानी कि निश्चितता भी नहीं है, यानी अनिश्चितता, और जब आपके रेगुलरिटी नहीं है, तब आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस देंगे। तो कहने का मतलब है कि पूंजी संरचना में आय की निश्चितता और नियमितता से भी क्या होता है, इफेक्टेड होता है। जब धनराशि कुछ समय तक ही जरूरत हो और बाद में आवश्यकता न हो, यानी पूर्वाधिकार अंश को प्रेफरेंस किया जा सकता है। आप जानते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन पे डिविडेंड फिक्स्ड होता है, यानी स्थायी रूप से हमको देना ही होता है, निश्चित होता है, तभी प्रेफरेंस शेयर के आगे क्या होता है, उसकी डेट लिखी होती है कि इतने परसेंटेज वाले प्रेफरेंस शेयर। जबकि इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड देते हैं वो फिक्स नहीं होता है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोग इसका जो रेगुलर है या अनरेगुलर की जो अनिश्चितता की बात करते हैं, तो कैसे इश्यू करेंगे। बात करते हैं भावी योजना, यानी कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग की। देखिए, सिंपल सा है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी आप ऑथराइज कैपिटल है, अधिकृत पूंजी है, वो अधिक रखी जाती है, क्योंकि भविष्य की आवश्यकता के समय निगमित किए जा सके। प्रारंभ में हम स्टार्ट में क्या करेंगे, स्टार्ट में प्रारंभ में हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस देंगे, राइट। यानी स्टार्ट पे प्रारंभ में हम किससे कैपिटल का अरेंजमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर में, और बाद में हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और हम डिबेंचर को
प्रेफरेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो संस्था अगर भावी योजना को ध्यान में रखकर पूंजी संरचना का निर्माण करती है तो स्टार्ट में वो इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस देगी, देन वो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को बाद में प्रेफरेंस देगी। ठीक है, तो ताकि वो भावी योजनाएं अच्छे से बना पाए। बात करते हैं हम लोग एटीट्यूड टू मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रबंधकों का दृष्टिकोण या एटीट्यूड क्या होता है। देखिए, डिफरेंट टाइप के जो मैनेजर्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे अरेंज करें। तो देखिए, सिंपल सी है बात कि प्रबंधकों के भावी अनुमान या अनिश्चितता, जोखिम को सहन करने की क्षमता, प्रबंधकों का अनुभव आदि ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। देखिए, अब जो मैनेजर होगा उसका एटीट्यूड क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, वो क्या अनुभव करता है, उस पर डिपेंड करेगा। वो कितना रिस्क लेना चाहता है अपनी कंपनी के लिए, तो वो उस अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। यानी कि जो प्रबंधक, आप कह सकते हैं कि इसके लिए एक डेफिनेशन है गुटमैन और डुंगल के, कि प्रबंध चतुरता निर्णय अनुभव स्वभाव और प्रेरणा से भिन्न होता है। ये सम्मान जोखिम और भिन्न प्रकार के मूल्यांकन करता है। इसकी ऋण पूंजी तथा ऋण व्यवस्था करने की इच्छा में भी भेद होता है। इसीलिए पूंजी संरचना समान रूप से प्रबंध की आयु, अनुभव और विश्वास और रूढ़िवाद से प्रभावित होती है। यानी जो प्रबंधक होता है उसका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए, कि वो शेयर कैपिटल से अरेंजमेंट करना चाहता है या डेब्ट से करना चाहता है, या फिर वो अगर वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो किस कैपिटल से अरेंजमेंट करना चाहता है, या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहता है तो वो किस कैपिटल से अरेंजमेंट करेगा। तो ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल जो मैनेजर होता है उनके एटीट्यूड से। कार्य की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, यानी कि क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ वर्किंग। एक संस्था जो है वो व्यवसाय की नीति निर्धारण और निर्णय में अनेक व्यक्तियों का हस्तक्षेप या इंटरफेयर पसंद नहीं करती है, तो इसके लिए वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो करता है जिससे वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाए। देखिए, ऐसा करने के लिए वो इक्विटी शेयर का क्या करेगा, इश्यू नहीं करेगा, अगर वो फ्रीडम रहना चाहता है। क्योंकि जिस पर प्रबंधक या एक का अधिकार होता है तो वो ऋण पत्रों का निगमन करेगा। अगर वो चाहता है कि नहीं, सिर्फ मेरा ही, मैनेजर का ही पूरा कंट्रोल रहे, तो डिबेंचर को इश्यू करेगा, राइट। अभी ये पहले भी हमने बात की थी। और ऐसा करने से प्रबंधक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पॉलिसीज कभी भी प्रबंधक बना सकता है या मैनेजर बना सकता है, क्योंकि वहाँ कोई भी जो इंटरफेयर है, वो जो लोन लेने वाले पर्सन्स होंगे या जहाँ से हमने डेब्ट इश्यू किए जिनको, वो कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कि नहीं, हम अपना कंट्रोल, हमारा जो फ्रीडम है, नहीं हम फ्रीडम नहीं, हम बिल्कुल बैंड होके वर्क करना चाहते हैं, देन यू हैव टू इश्यू इक्विटी शेयर। क्योंकि इक्विटी शेयर वाले क्या होते हैं, ऑनर होते हैं और वो अपना कंट्रोल या अपना इंटरफेयर टाइम टू टाइम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि वो किसको करेगा, इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस करेगा, राइट। चलिए बात करते हैं परिचालन अनुपात यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, कि जो भी हमने गुड सेल किए हैं वो, और उसके साथ में हम जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं उनका टोटल करके फिर हम क्या करते हैं, टोटल सेल में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो कैपिटल जो आपका रेशियो है उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी आपका ऑपरेटिंग, जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, या फिर हम प्लस बात करेंगे जो भी आपका जो भी गुड्स आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट, गुड्स की जो भी आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करने के बाद में डिवाइड करते हैं हम अपनी सेल से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास में जो आएगा वो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हमने 6000 कॉस्ट मानी है और आपका एक्सपेंसेस है 3000, ठीक है, तो जब इनको ऐड किया तो क्या आया हमारे 9000, और हमारे सेल मानते हम 10000 और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इस कम से 10 यानी 10 आया है। तो आपके पास में ऑपरेटिंग रेशियो क्या कह रहा है, आपके पास में सिर्फ 10, 100 में से सिर्फ 10 ऐसा है जिसके लिए आप इंटरेस्ट और डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास कितना बच रहा है, सिर्फ 10,
तो आप 10 से आप इफ़ को इंटरेस्ट भी देना है और डिविडेंड भी पे करना है। तो कहने का मतलब है कि जब अगर हमारे किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो आपके ऑपरेटिंग रेशियो से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रिलेटेड रहता है। जैसे सपोज दैट माने कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो है वो ज़्यादा है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट और डिविडेंड देने के लिए बहुत कम आय बचती है। जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा 10, तो ये 10 ही बच रही थी, 10 रुपये ही बच रहा था कि हमें इंटरेस्ट भी देना है और डिविडेंड भी देना है। अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा है तो आपके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड को देने के लिए कम आय बचेगी। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में कुल आय की तुलना में हम क्या करेंगे, स्थिर संपत्तियाँ की मात्रा भी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिक्स असेट्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में साधारण अंशों के अनुपात में ऋण प्रतिभूतियों का अनुपात भी कम होगा। जब हायर रेशियो रहता है तो इक्विटी को क्या होता है ज़्यादा, और आपका डेब्ट क्या हो जाता है कम हो जाता है, राइट। अगर हम ऑपोजिट बात करें कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम है, तो कम की स्थिति में क्या होगा कि फिक्स असेट्स होगी, या हम कह सकते हैं कि जो कैपिटलाइजेशन की मात्रा क्या होगी वो आय की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब आपका कैपिटल रेशियो कम है तो इसमें हम इक्विटी की मात्रा कम और डेब्ट की ज़्यादा रखेंगे। जबकि इसमें क्या किया हमने, इक्विटी की मात्रा ज़्यादा, जब हाई रेशियो थी इक्विटी की मात्रा ज़्यादा और आपकी जो कह सकते हैं डेब्ट का रेशियो कम रखा था। और बिल्कुल ऑपोजिट अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम है तो कम में हम इक्विटी क्या करेंगे कम और डिबेंचर क्या रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो कम होने से आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रही है इनकम हो रही है। तो आप कह सकते हैं आय के अनुपात में उतनी ही अधिक वृद्धि होने के कारण हम लोग डिबेंचर को इश्यू करते हैं, क्योंकि डिबेंचर पे हमको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, और इससे जो रिमेनिंग इनकम बचती है इंटरेस्ट पे करने के बाद वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करते हैं डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं। तो हमारी गुडविल को ये बढ़ाएगा इक्विटी शेयर जब आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, समता पर व्यापार, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि समता पर व्यापार की, इसमें हम लोग बहुत कम, अगर आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहते हैं तो आप इक्विटी का क्या करेंगे कम यूज़ करेंगे और आप डिबेंचर को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो डिबेंचर को ज़्यादा यूज़ करने पर आप पहले उनको इंटरेस्ट पे कर देंगे, इन डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट पे करने के बाद जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारे शेयर होल्डर के लिए क्या होगी यूज़ आएगी, यानी शेयर होल्डर को देने के लिए। ये शेयर होल्डर जो होते हैं वो हमारे मार्केट में गुडविल को बढ़ाते हैं और इससे हमारे बिज़नेस को और ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो हम कहेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहते हैं तो आप किसको ज़्यादा मात्रा में इश्यू करेंगे, डिबेंचर को ज़्यादा करेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो साधारण अंशों का निगमन करके शेष पूंजी की व्यवस्था हम किससे कर रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था किससे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन यानी डेब्ट से करते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम अपना बिजनेस चलाते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। हमने लॉन्ग टर्म लोन पे या डेब्ट पे क्या किया, इंटरेस्ट पे कर दिया, और इंटरेस्ट पे करने के बाद में जितना भी रिमेनिंग रहता है प्रॉफिट वो हम शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में देते हैं, यानी कि अधिक से अधिक इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। और इक्विटी शेयर होल्डर को अधिक लाभांश देने का मतलब क्या हो गया कि आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं, आप अपने पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर को बहुत कह सकते हैं, कि इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को फ़ायदा दे रहे हैं। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम एक सेपरेट अभी वीडियो में और देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। बात करते हैं पूंजी घनत्वीकरण, यानी कि कैपिटल गियरिंग, इसे क्या कहते हैं कैपिटल गियरिंग। तो कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो अपनी चेंजेबल जो कॉस्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी मतलब कॉस्ट चेंज होती रहती हैं उसका, और जो फिक्स्ड कॉस्ट वाली होती है सिक्योरिटीज़ उसके मध्य जो, या कह सकते हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है वो कहलाता है कैपिटल गियरिंग। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट वाली सिक्योरिटीज़ और हम कह सकते हैं वेरिएबल वाली जो कॉस्ट वाली सिक्योरिटीज़, अच्छा फिक्स कॉस्ट वाली जो आपकी कह सकते हैं जो फिक्स रहती हैं वो कौन सी होगी, फिक्स कॉस्ट वाली आपकी जैसे पूर्वाधिकारी अंश, या फिर हम कह सकते हैं पूर्वाधिकारी अंश या फिर प्रिफरेंस शेयर, क्या कह सकते हैं आपका प्रिफरेंस शेयर, या फिर हम कह सकते हैं आपके जो भी डिबेंचर होते हैं वो। जबकि वेरिएबल
कॉस्ट वाली कौन सी होगी, जो इक्विटी होगी जिसकी कॉस्ट चेंजेस होती रहती है। तो उनके बीच का रेशियो क्या कहलाता है, पूंजी धनतीकरण या कैपिटल गियरिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि कैपिटल गियरिंग हाई रह रहा है या लो, तो ऐसी संस्था है जहाँ पर कैपिटल गियरिंग बहुत हाई रहता है तो वहाँ पे हम इक्विटी शेयर उतने ही हम कह सकते हैं, वहाँ पे स्पेकुलेटिंग यानी सट्टा बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसी संस्था क्या करेगी, ऐसी संस्था बाजार मूल्य के सट्टे से हम कह सकते हैं प्रभावित होगी और वो प्रवर्तकों के लिए आवश्यक हो जाएगा, यानी जो प्रमोटर्स होंगे उनके लिए आवश्यक हो जाएगा कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिटरमाइंड है करते समय वो अपनी स्थायी प्रत्याय व परिवर्तनशील प्रत्याय प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात बहुत सावधानी से डिसाइड करें, यानी कि वो अपने कैपिटल गियरिंग का जो भी रेशियो डिटरमाइन करें उसे बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इससे वो अपने क्या कर सकते हैं, जोखिम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करें कैपिटल गियरिंग का समझने के लिए, तो कैपिटल गियरिंग को हम एक सिंपल से मीनिंग में अगर समझें तो समता अंशों यानी कि द रिलेशन ऑफ ऑर्डनरी शेयर यानी इक्विटी शेयर, द रिलेशन ऑफ ऑर्डनरी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड नॉन कैपिटल इज डिस्क्राइब्ड एज अ कैपिटल गियरिंग। यानी पूंजी धनतीकरण क्या होता है कि पूंजी धनतीकरण का मतलब होता है समता अंश यानी इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के साथ में हम एक और वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, लॉन कैपिटल। उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कौन प्रेजेंट करता है, कैपिटल गियरिंग प्रेजेंट करता है। तो कैपिटल गियरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या फिर जो लॉन रहते हैं उनके बीच के रिलेशंस को बताता है वो कैपिटल गियरिंग होगा। कैपिटल गियरिंग भी हाई होता है और लो होता है, यानी कि हाई कैपिटल गियरिंग होता है और लो कैपिटल गियरिंग होता है। जो हाई कैपिटल गियरिंग होता है उसमें प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर वो ज़्यादा रहता है, यानी कि हाई वाले में क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर है वो ज़्यादा रहता है हाई में, और इक्विटी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जब हाई गियरिंग रेशियो होता है तो प्रेफरेंस और आपका डिबेंचर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा जबकि इक्विटी कम रहेगा। जबकि लोअर की बात करें तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जिसमें इक्विटी ज़्यादा और कम क्या होगा, प्रेफरेंस और डिबेंचर ये क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लोअर गियरिंग रेशियो। तो ये आपको क्लियर हुआ, इसे हम जो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और कैपिटल गियरिंग का डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम और डिस्क्राइब रूप से इसको पढ़ेंगे। जब आपका फैक्टर का क्वेश्चन आए तो आप बस हाई लो तक इनको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। एक्सटर्नल फैक्टर का सबसे पहला और जो टॉपिक है वो क्या है, आपका पूंजी बाजार की दशाएं। देखिए पूंजी बाजार की दशाएं क्या होती है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को जो हम कह सकते हैं ट्रेड सर्कल, जो आपने देखा होगा व्यापार चक्र, वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि व्यापार चक्र की जो मेन दो चीज़ होती है वो क्या होती है, मंदी की या फिर तेजी की दशाएं। तो मंदी और तेजी की दोनों दशाएं क्या करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करें सिर्फ एक बूम पीरियड की यानी तेजी की स्थिति में, तेजी की स्थिति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि लोग बहुत डिमांड करते हैं, लोगों के पास में इतना सारा धन आ जाता है यानी पैसे आ जाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी रहते हैं। यानी बूम पीरियड इज़ बेटर देन डिफ्लेक्शन पीरियड या मंदी से, या हम कह सकते हैं बॉटम पीरियड से, क्योंकि बूम पीरियड में क्या होता है, सभी लोग डिमांड करते हैं, सभी लोगों के पास में पैसा आ जाता है तेजी में, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर से ज़्यादा किससे पैसा लेना व्यवस्था करेगी, इक्विटी से, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पर वो इक्विटी शेयर जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कहाँ पे, जब आपका बूम पीरियड मार्केट में है। तो हम लोग क्या इशू कर सकते हैं, डिबेंचर की कंपैरिजन में हम इक्विटी इशू को मार्केट में कर सकते हैं, क्योंकि लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो आर यू क्लियर। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट टाइम, जब आपका मंदी चल रही हो तो मंदी के समय कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पे इक्विटी की डिमांड नहीं होगी, तो हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को किससे अरेंजमेंट करेंगे, डिबेंचर से या हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन से। तो मंदी के समय आप व्यवस्था कर रहे हो लॉन्ग टर्म लोन से, ठीक है, दूसरा डिबेंचर से, जबकि तेजी काल में आप इक्विटी से अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो देखिए फ्लक्चुएशन तो आ रहा है मार्केट में, लेकिन कंपनी अपना स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रख रही है, राइट। बात करते हैं इन्वेस्टर्स की नेचर की, यानी कि जो विनियोक्ता होते हैं, नेचर
या फिर कह सकते हैं काइंड ऑफ इन्वेस्टर, अलग अलग विनियोक्ता होते हैं जो पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। आप देखिए, जो बहुत ज़्यादा विनियोग जैसे विनियोक्ता होते हैं जो बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, जोखिम उठाना चाहते हैं, तो वो किसको पसंद करेंगे? जो बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं तो वो इक्विटी को प्रेफरेंस करेंगे। जो रिस्क लेना चाहते हैं यानी कि आर लेना चाहते हैं, देन वो ई यानी इक्विटी को प्रेफरेंस करेंगे। जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो किसको प्रेफरेंस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो डिबेंचर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनसे उनको एक निश्चित आय प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब है जो नेचर होता है इन्वेस्टर का, पैसे लगाने वाले का, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई रिस्क लेने वाला होता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। जो रिस्क लेगा वो इक्विटी को प्रेफरेंस देगा, जो रिस्क नहीं लेगा वो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को प्रेफरेंस देगा। क्यों देगा ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जोखिम नहीं उठा सकता, तो मुझे निश्चित लाभांश चाहिए, डिविडेंड चाहिए, या फिर मुझे निश्चित इंटरेस्ट चाहिए, तो वो उन्हीं को ही प्रेफरेंस करेगा, राइट। फिर पूंजी निर्माण की लागत, आप कैपिटल स्ट्रक्चर को जो बनाना चाहते हो उसकी कॉस्ट भी आपको इफेक्ट करेगी। जैसे कि आप लोग क्या करेंगे कि कैपिटल जो भी कंपनी होगी वो क्या करेगी, अलग अलग सिक्योरिटीज़ की क्या करेगी, कॉस्ट निकाल लेगी। अलग अलग सिक्योरिटीज़ की क्या करेगी, कॉस्ट निकालेगी। और कॉस्ट निकालने पर जो सबसे कम कॉस्ट वाला होगा उसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेगी। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि जो भी अपन कैपिटल इश्यू करते हैं उसकी कॉस्ट होती है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगर कैपिटल की जो कॉस्ट है, जैसे कि कैपिटल की कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है, या अगर आप लोग अंडरराइटर की बात माने, अभिगोपन, ठीक है, या फिर आप ब्रोकरेज हैं, आप डिस्काउंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के समय। तो आप जितना ज़्यादा कम कॉस्ट वाली होगी उसी से आप कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। बाद में है नियम, या हम कह सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स या रेगुलेशन लीगल रूप से क्या है। देखिए, कभी कंपनी क्या करती है, डिबेंचर का इश्यू करना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि हम कह सकते हैं डिबेंचर पर सिर्फ हमें इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट देने के बाद में ही वो क्या होता है कि टैक्स को डिडक्ट होती है। कहने का मतलब है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी की कुल आय की जब कैलकुलेशन की जाती है, टोटल इनकम कंपनी कैलकुलेट करती है, तो अपने उस टैक्स को क्या करती हैं, अपने टैक्स उस समय जो है वो स्वीकृत कटौती कह सकते हैं, या जबकि लाभांश कटौती स्वीकृत नहीं होती है, ठीक है। तो इसे कंपनी को फ़ायदा होगा जब बहुत ज़्यादा हायर कह सकते हैं कि टैक्स की रेट हो, ठीक है, आय पर बहुत ऊंची दर से टैक्स लगाया जाता है, तो किसको प्रेफरेंस देगा? जब नियम कह सकते हैं, गवर्नमेंट का जो नियम है बहुत हायर टैक्स रेट का है, तो वो किसको प्रेफरेंस देगा? वो प्रेफरेंस देगा डिबेंचर और डेब्ट को। क्यों देगा? क्योंकि जो डिबेंचर है उस पर टैक्स लगाने के बाद क्या होगी, आपकी कह सकते हैं ये एक एक्सेप्टेबल कटौती होती है, राइट। बात करते हैं सरकार की नीति, सरकार की नीति है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब सरकार की जो पॉलिसीज होती है वो भी टाइम टाइम क्या होती है, चेंज होती रहती है। अधिक मात्रा में अगर आपको अधिक मात्रा में बहुत कम रेट पे इंटरेस्ट पे अगर आपको कैपिटल मिल रहा है, अगर आपके गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई है, तो आप क्या करेंगे, लोन से अरेंजमेंट कर लेंगे, राइट। अगर आपको कम रेट पे इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है तो आप लोन से अरेंजमेंट करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का। और अगर आपने देखा नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी लेके आ रही है जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी वाले को प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होगी कि वो कैसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं। बात करते हैं मौसमी प्रकृति की, यानी कि सीजनल नेचर की। देखिए, जिस सीज़न में जिस इंडस्ट्री चलती है उस समय उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी उद्योग की प्रकृति अगर मौसम से रिलेटेड अधिक होती है, तो वो उस मौसम में क्या करेगा, उसको धन की या कह सकते हैं मनी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है, और वो क्या करेगा, उस समय अपना अरेंजमेंट ज़्यादा पैसों से या उस समय कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाएगा। इसकी कह सकते हैं कि दीर्घकाल स्थान पर वो मौसम के अकॉर्डिंग वो अपने देखेगा, जिस सीज़न में वो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे का अरेंजमेंट करेगा। जिस समय उसका सीज़न नहीं होगा तो उस समय उसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन से भी उसका अरेंजमेंट कर सकता है। जब उसको धन की आवश्यकता है तब तो वो लॉन्ग टर्म से कर सकता है, और जब उसको आवश्यकता नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म रेंट भी लेके कर सकता है। बात करते हैं कॉम्पिटिशन की या प्रतिस्पर्धा की,
स्थिति की। सामान्यतः हमने ये देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन होता है तो वो पूंजी स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर ऐसी संस्था जहाँ पे आपकी इनकम सर्टन है, आपका इनकम जो है वो रेगुलर है, तो वो अपने पूंजी ढांचे को हमेशा किससे करेगा, डेब्ट से अरेंजमेंट करेगा, राइट। तो हमने अभी इसके फैक्टर पढ़े, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।